नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। ट्रांसफार्मर खराब, नहीं मिल रही है बिजली। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण किसान और ग्रामीण हमेशा परेशान होते देखे जा रहे हैं। इसके बाद भी विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने में ढीला ढाली की जाती है। एक ऐसा ही मामला जनपद के अमौली उपकेंद्र क्षेत्र के मकरंदपुर गांव का है, जहां एक मोहल्ले में महावीर के घर के पास 10 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा है। ग्रामीणों ने बताया जो कि एक माह से खराब पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि गांव में लगे दो अन्य ट्रांसफार्मरों से अन्य मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति सुचारू है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने विभाग से कई बार शिकायत की है, इसके बाद भी अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर भूल जाते हैं। मकरंदपुर निवासी सुरेंद्र ने बताया कि 10 केवी का ट्रांसफार्मर जो महावीर के घर के पास लगा है, जिससे लगभग 20 घरों में बिजली का उपयोग हो रहा है, वह कई बार खराब हो चुका है। बदलने के कुछ ही समय बाद दोबारा फिर से खराब हो जाता है। विभागीय अधिकारियों से विनती भी की गई, ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए, लेकिन उनके द्वारा कार्य क्षमता बढ़ाना तो दूर, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में भी ढीला हवाली की जाती है। समस्या की बाबत भी अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार से फोन पर जानकारी करनी चाहिए, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं SDO प्रशांत शुक्ला ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को और कर्मचारियों को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित ट्रांसफार्मर इसके पहले भी एक बार खराब हुआ था, तो ट्रांसफार्मर समय पर बदलवा दिया गया था। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता फतेहपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।